थर्ड यंग भारत ओलंपियाड के फाउंडर एंड सीईओ प्रवीण कुमार राजभर ने बताया कि ग्रामीण युवाओं को ऑनलाइन प्रतियोगिता के जरिए प्रदेश में चैंपियन बनाना मकसद है। पहला ओलंपियाड दादरी और दूसरा भदोही में आयोजित हो चुका है, अब तीसरा आयोजित होने जा रहा है। ऑनलाइन वेबसाइट्स पर रजिस्ट्रेशन करके इसमें भाग ले सकते हैं। इस दौरान मनीष कुमार, आशीष कुमार, राहुल कुमार बिंद, छोटे बिंद, राकेश कुमार, अरुण कुमार बिंद, अमित कुमार, जितेंद्र कुमार, विष्णुकांत, कमलेश कुमार, सुरेश कुमार आदि थे। क्या कुछ कहा है प्रवीण कुमार राजभर ने, देखिए भदोही से मिथिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। प्रायोजन क्या है आप लोगों के एकत्रित होने का? नमस्कार सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार राजभर है और मैं स्किलिंग यू का फाउंडर एंड सीईओ हूं। और आज यहाँ पर मिलने का जो प्रयोजन था वो बेसिकली यंग भारत ओलंपियाड करके जो हम लोग का एक कार्यक्रम हो रहा है यहाँ के बच्चों के लिए, और ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली ये सामान्य ज्ञान की सबसे बड़ी प्रतियोगिता हो रही है जहाँ पर करीब 20-21 हज़ार बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और इस प्रतियोगिता में इन ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को करीब करीब 1 लाख से ऊपर तक के जो कैश रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। तो उसी के सिलसिले में आज यहाँ पर कुछ स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल्स उनके लोगों से मुलाकात हुई। ये हमारी टीम है, ये राहुल हैं, मनीष हैं, ये लोग यहाँ का पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारा ऑफिस दिल्ली। किस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित होगा? सर देखिए, ग्रामीण बच्चों के साथ एक तो स्किलिंग यू का जो मेन काम है, हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन में है और हमारा जो मेन मकसद है किस तरीके से ग्रामीण बच्चों को अलग अलग मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है जॉब के मामले में, स्किल्स के मामले में, किस तरह से दी जा सके। हम लोग ग्रामीण बच्चों के लिए ओलंपियाड का जो मेन मकसद है कि ग्रामीण बच्चों में जितने भी जीके जीएस के कॉम्पिटिशन के माध्यम से जो मेधावी बच्चे हैं उनको किस तरीके से मंच प्रदान किया जाए, क्योंकि शहर के बच्चों को तो आसानी से मिल जाता है लेकिन ग्रामीण बच्चों को आसानी से नहीं मिल पाता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग ये ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी जहाँ पर करीब करीब 1500 से ऊपर बच्चों को अलग अलग तरीके के इनाम दिए जाएंगे, जहाँ पर कैश अवार्ड भी मिलने वाला है, जहाँ पर डायरीज मिलने वाली हैं, जहाँ पर अलग तरह के गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी बात जो है इस प्रतियोगिता में कि जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो 20,000 हो, 21,000 हो, इस प्रतियोगिता में हर एक बच्चे को 12,000 रुपये से ऊपर के फ्री कोर्सेज दिए जा रहे हैं स्किलिंग के माध्यम से। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं आते या फिर टॉप 50 में नहीं आते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल इसका प्रतिभागी मात्र बनने से आपको 12,000 रुपये के फ्री कोर्सेज मिलने वाले हैं जो स्किलिंग की तरफ से मिल रहा है। ये तीसरा कार्यक्रम है। दूसरा जो नंबर कार्यक्रम था आपके भदोही में ही हुआ था, जहाँ पर पिछले साल करीब 10,000 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और वहाँ पर करीब 250 से ज़्यादा बच्चों को हमने अलग अलग तरह के इनाम दिए थे। और ये कार्यक्रम इस बार हम तीसरी बार करने जा रहे हैं जिसमें हमें उम्मीद है कि 20,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए भी संस्था की तरफ से ही हो रही है जिसमें कि सपोर्टिंग में शिक्षा साथी है और आपका ITDM करके जो एक NGO है जो दिल्ली से कार्यरत है, जो काफ़ी बच्चों को एजुकेशन और रोजगार के मामले में जो काम कर रही है वो हम लोग साथ। लेकिन उनका जो मेन मकसद है वो यही है कि हम किस तरीके से ग्रामीण बच्चों को केवल जॉब्स ना दें, जॉब्स के बारे में सही इन्फॉर्मेशन भी दें जिससे कि उनका करियर बन सके और उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जितनी भी जरूरत की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 ग्रुप्स बने हुए हैं, 6ठी 7वीं 8वीं का एक ग्रुप है, 9वीं 10वीं का एक ग्रुप है, 11वीं 12वीं का एक ग्रुप है और ग्रेजुएशन का एक अलग ग्रुप है जिसमें से हर ग्रुप से 50-50 बच्चों को इनाम दिया। तीसरा कब और किस डेट को कहाँ करने वाले हैं ये बताएं सर? ये इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और 10,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और इसका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 17 दिसंबर को होने वाला है और इसकी जो अवार्ड सेरेमनी होगी वो लगभग 23 दिसंबर को होते हैं। अभी डेट में अगर कुछ अवार्ड के ऊपर नीचे होता तो पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन 17 तारीख को ऑनलाइन एग्जाम होगा जहाँ पर बच्चे कहीं से भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।